एसबी सिंह स्पोर्ट एकेडमी नवनिर्मित क्रिकेटिंग पिच एवं 100 मीटर एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन सिक्किम एयरपोर्ट के निदेशक संजीव कुमार सिंह के हाथों हुआ संपन्न। बता दें कि वाराणसी में आज 28 अक्टूबर 2024 को मुनारी ग्राम के एसबी सिंह स्पोर्ट एकेडमी में नवनिर्मित क्रिकेटिंग पिच एवं 100 मीटर नवनिर्मित एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन सिक्किम एयरपोर्ट के निदेशक संजीव कुमार सिंह के हाथों संपन्न हुआ। बता दें कि एसबी स्पोर्ट एकेडमी के निदेशक परितोष सिंह ने बताया कि एकेडमी के करीब 70 एथलीट, 20 क्रिकेटर ट्रेनर और 3 के लगभग फुटबॉल ट्रेनी हैं जो प्रतिदिन ट्रेनिंग करने आते हैं। इस एकेडमी में कई एथलीट राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं। सर्वप्रथम कार्यक्रम का उद्घाटन श्री संजीव सिंह द्वारा फीता काटकर एवं मिठाई खिलाकर किया गया। एसबी स्पोर्ट एकेडमी के कोच प्रमोद यादव ने सिक्किम एयरपोर्ट के निदेशक संजीव कुमार सिंह एवं परितोष सिंह जी को माल्या अर्पण कर सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्टर खुशरंग हिना की पूरी रिपोर्ट। कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ जयदेश। नमस्कार, जयदेश न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। इस समय हम मौजूद हैं मुनारी में, मुनारी गांव में इस समय मौजूद है और यहां पर आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि अलग अलग जो है बच्चे यहां पर खिलाड़ी जो हैं वो खड़े हैं अलग अलग स्पोर्ट के। और यहां पर आज जो है एक क्रिकेट पिच का जो है वो उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि ये उद्घाटन मुख्य जो अतिथि हैं, खास करके जो सिक्किम के एयरपोर्ट के निदेशक हैं संजीव कुमार सिंह जी, उनके द्वारा किया गया है। और परितोष जी जो कि चेयरमैन हैं एसबी सिंह स्पोर्ट एकेडमी के, उनके इस स्पोर्ट एकेडमी में ये पिच का जो है वो उद्घाटन किया गया। तो आज हम उनसे ही बात करते हैं और पूरा प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। मैडम परितोष सिंह है और बेसिकली मैं बिजनेस करता हूं और ये मेरा एक स्पोर्ट्स एकेडमी है जो कि मैंने 2018 में शुरू की थी। जो गांव के बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो खेलें और आगे जाएं। तो 2018 में हमने शुरू किया, हमने एथलेटिक्स शुरू किया और फिर क्रिकेट शुरू किया। लेकिन हमारा ये नया ग्राउंड है जहाँ पर हम एथलेटिक्स कराते हैं और फुटबॉल का हमारा पूरा ग्राउंड है और क्रिकेट कराते हैं, जिसकी हमारी ये नई पिच है। और एक पिच हम बीच में बनाएंगे जो टर्फ विकेट बनेगी, जिसकी जो शायद एक आध महीने में हम बना लेंगे जी। एथलेटिक जो ट्रैक है उसका भी आज उद्घाटन है, उसके बारे में कुछ है? जी, हमारा 100 मीटर का एथलेटिक ट्रैक है। हमारे पास एथलेटिक्स के बड़े अच्छे बच्चे हैं, हमारी लड़के लड़कियाँ, हमारा नेशनल स्तर पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन लोगों ने, कई ने मेडल जीता हुआ है, स्टेट लेवल पे बड़ा अच्छा करते हैं। और एक लड़की हमारी इंडिया भी रिप्रेजेंट अंडर 16 में करके आई है। तो एथलेटिक्स में गांव के लड़के हैं स्ट्रांग हैं, ये नेचुरली स्ट्रांग हैं और इनका थोड़ा शौक भी रहता है कि हम एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करें। तो हमें ढेर सारे बच्चे, जैसा आप देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लड़के लड़कियां सब कुछ सब हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक 100 मीटर का ट्रैक बनाया है। बाकी हमारा ये 200 मीटर का राउंड ट्रैक है अभी बनाया हुआ है और बाहर बाहर हमारा 400 मीटर का है, लेकिन अभी हम लोग 200 मीटर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और जल्दी ही 400 मीटर हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आप? देखिए, फ्यूचर इस साल हम लोग एक एथलेटिक्स टूर्नामेंट कराएंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, ठीक है, और एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे हम लोग एक, जिससे कि जो लोकल बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। और हमारा फुटबॉल का आप देख रहे हैं पूरी ग्राउंड है, तो हम एक कोशिश करेंगे कि हम एक फुटबॉल टूर्नामेंट कराएँ जिसमें लोकल टीमें आए, जिसमें बच्चों को टूर्नामेंट खेलने का मौका मिले और अपना गेम प्रैक्टिस हो, तो उनको एक एक्सपीरियंस होगा, फिर आगे जाने के लिए उनको मौका मिलेगा। थैंक यू। तो हमारे साथ जो हैं वो अब एयरपोर्ट, सिक्किम एयरपोर्ट के निदेशक संजीव कुमार सिंह जी हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत। सबसे पहले मैं जितने यहाँ पे खिलाड़ी हैं उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में और आगे जाएंगे। और ये हम पूरे समाज का दायित्व है कि ऐसे जो प्रतिभाएं हैं जो गांव में छिपी हुई हैं उनको आगे लाने का, और इसमें परितोष नारायण सिंह जैसे लोग जो आगे आ रहे हैं ये इनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। और भी लोगों को आगे आना चाहिए और जो ऐसी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, जैसा मुझे बताया गया कि इसमें कई प्लेयर नेशनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं, तो ऐसे मतलब ये अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो ये सब प्रतिभाएँ यहाँ छिपी रहती और ये आगे नहीं आ पाती। तो अभी हाल में ही प्रधानमंत्री वाराणसी आए थे, उनका काशी दौरा था, इस दौरान उन्होंने सिग्रा स्पोर्ट स्टेडियम का जो है लोकार्पण किया, उसमें कई तरह के उसको कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया। तो शहर के जो बच्चे उनके लिए तो एक अवसर है, लेकिन इन गाँव के बच्चों के लिए जो अवसर है उसके लिए क्या करें?
बिल्कुल, इसमें ये हमारे जैसा मैं बताया कि समाज का दायित्व है, और समाज में जैसे ऐसे लोगों के और भी आवश्यकता है जो ये काम आगे इसको बढ़ाएं, तो ये इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और वो जो आपके कोच साहब हैं सर, ठीक है, तो जो प्रमोद यादव जी जो यहाँ के कोच हैं, हम अब उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। ठीक है, तो जो प्रमोद यादव जी जो यहाँ के कोच हैं, हम अब उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैम आपका पहले यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से एक अपॉर्चुनिटी है गांव के बच्चों के लिए, विलेज के स्टूडेंट्स के लिए, और आप जैसे कोच उनको सिखा रहे हैं, और वो अब राज्य स्तर पे और राष्ट्र के स्तर तक जो है अपनी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? कितनी मेहनत करते हैं आप, और बच्चों के लिए क्या कहेंगे? मैम, यहाँ पर जितने देहात के बच्चे हैं, नेचुरल बच्चे हैं, ये सब अपना दिन भर खेलते कूदते हैं, और ये इतना तगड़ा रिजल्ट हमारे यहाँ आता है एथलेटिक्स में, स्पोर्ट जो भी होता है, देहात के बच्चे और अच्छा करते रहते हैं। इसके लिए हम लोग सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो एसबी सिंह एकेडमी के डायरेक्टर श्री प्रतोष नारायण सिंह सर को, जो देहात के बच्चों को एक निखारने का मौका दिए अपना सपना साकार करने के लिए। हमारे यहाँ बहुत से बच्चे फिजिकल करके, अभी एक लड़की है मोनी पटेल, वो दिल्ली पुलिस में अभी हुई है, उसके लिए हम सर को भी धन्यवाद देते हैं जो उनके लिए कुछ किए हैं और वो अच्छा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एसबी सिंह स्पोर्ट एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर हैं, और इनकी जो कड़ी मेहनत है, कड़ी लगन है, उसके द्वारा ही परतोष सिंह जी जो कि निदेशक हैं एसबी एकेडमी के, उनकी कड़ी परिश्रम के द्वारा उन्होंने गांव में ये एकेडमी खोली और इन बच्चों को भी एक मौका दिया ताकि वो अपनी प्रतिभा को निखारें और आगे बढ़ें। इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता में आगे अपना जो है किस्मत आजमा रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। इन सारे बच्चों की देखिए मुस्कान, देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इस एकेडमी में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। अच्छा, आप कौन सा स्पोर्ट्स करते हो यहाँ पर? हम एथलीट करते हैं, रनिंग। रनिंग करते हो। अच्छा, आगे क्या आप सोच रहे हो बनने के लिए, क्या करने के लिए? हम अभी तो प्लेयर बनेंगे, उसके बाद कोई जॉब करेंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही है अभी। अच्छा, इस एकेडमिक में आप लोगों को एक मौका मिला है एथलीट करने के लिए, और किस तरह से आप लोग को यहाँ कोच सिखाते हैं? बहुत अच्छे सिखाते हैं, अच्छे तरीके से। गांव में इस तरह की एकेडमी खोलने से क्या फायदा है? बहुत फायदा है। आपका क्या नाम है? शालू। शालू, यहाँ पर आप आते हैं, घर वाले क्या कहते हैं आपको, कितना मोटिवेट करते हैं? बहुत ही मोटिवेट करते हैं, बहुत कहते हैं कि जाया करो अच्छे से। आगे क्या करना है? आगे खिलाड़ी बनना है मुझे। खिलाड़ी बनना है। तो देखिए, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका फीडबैक मैंने आपको दिखाया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीजल पाल है। कितने दिन से आ रही हैं आप यहाँ पे? एक महीने से। एक महीने से। कैसा लग रहा है यहाँ पर, कोच साहब कैसे आपको सिखा रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आगे क्या करना है? आगे अभी तो शुरू किए हैं रनिंग। चलिए आगे हम दिखाते हैं अपने कैप। मेरा नाम प्रकृति यादव है। अच्छा प्रकृति, आप यहाँ क्या करती हैं? मैं एथलीट हूँ, रनिंग करती हूँ, 800 मीटर मेरा इवेंट है। मैं अब तक नेशनल खेल चुकी हूँ, सिवस्ती नेशनल में मेरा दो गोल्ड है, दो मेडल है, एक सिल्वर और एक गोल्ड। और मैंने अपना फर्स्ट कंपटीशन 2021 में खेला था, खेलो बनारस, जिसमें मैंने गोल्ड जीता था। उसके बाद मैंने स्टेट खेला लखनऊ में, ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद मैंने रिले में भी गोल्ड जीता था स्टेट में, और मैंने क्लस्टर 3 खेला है, जिसमें मैंने तीनों में गोल्ड था मेरा। क्लस्टर 3 क्या होता है? मतलब 3 बार मैंने 3 साल लगातार खेला और तीनों में मैंने गोल्ड जीता। एक बार मैंने 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, टोटल मैंने इवेंट क्लस्टर में 6 गोल्ड मैंने प्राप्त किए हैं, और 2 मैंने नेशनल में किए हैं, 1 सिल्वर और 1 गोल्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इस तरह की प्रतिभा की ज़रूरत है हमारे देश को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुषी यादव है। आयुषी जी, सुनने में आपको अभी अखिलेश जी ने सम्मानित किया था। हाँ, उन्होंने मुझे 51,000 रुपये दिए। मेरा जो हाल ही में लखनऊ में स्टेट हुआ था, उसमें मेरा हाई जंप इवेंट में मेरा गोल्ड लगा था। अभी मुझे नेशनल जाना है खेलने, जो कि होने वाला था तूफान चक्रवात की वजह से वो गेम टल गया है, तो अभी उसकी डेट नहीं पड़ी है। और मेरा अंडर 14 में भी एक बार गोल्ड लग चुका स्टेट में, मैंने नेशनल में मेरा 5th प्लेस लगा था, थोड़ी सी मेरी गलती की वजह से मेरा मेडल नहीं लगा, बट अब वो गलती इस बार ना हो और मेहनत तो अपनी जारी है। प्लेयर है, क्या नाम है आपका? आरोही यादव। आरोही, आप क्या करती हैं यहाँ पर? रनिंग। रनिंग कर, रनिंग की तैयारी। रनिंग की तैयारी करने के बाद आगे क्या करेंगी? आगे मेरा फिजिकल SSCGD का रनिंग है 1 हफ्ता, 8 नवंबर को, उसके बाद आगे का प्रोसेस जारी रहेगा। कितने दिन से आप प्रैक्टिस कर रही हैं? मिनिमम 2 to 3 मंथ्स। कुछ इम्प्रूवमेंट आया?
पहले मेरा 10 मिनट होता था, अभी 7:30 गया है। 7:30 गया। आपका क्या नाम? मनीषा यादव। मनीषा, आप क्या करती हैं? मैम यहाँ रनिंग करती हूँ। रनिंग करती हैं? रनिंग में स्पीड कितनी है? मैम अभी थोड़ा है, हो जाएगा। हो जाएगा। आपका क्या नाम है? श्रेया सिंह। क्या करेंगी श्रेया आगे? मैम मैं फिजिकल की तैयारी कर रही हूँ यूपी पुलिस का, अभी मेरा स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है। आपका क्या नाम है? प्रिया यादव। आप क्या करती हैं? मैं भी रनिंग करती हूँ। अच्छा, अभी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है? अभी मैम मैं 10 तारीख से आई हूँ, अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारे स्टूडेंट हैं जिनमें से कुछ एथलीट्स के हैं, कुछ जो है रनिंग के हैं, कुछ जो है क्रिकेट के हैं। ये सभी प्लेयर्स जो हैं वो एसबी सिंह एकेडमी के बच्चे हैं जो कि आगे अपने एकेडमी का नाम बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ एकेडमी के कोच के साथ साथ निदेशक जो हैं उनका परितोष जी की जो कड़ी मेहनत है वो रंग ला रही है और वो धीरे धीरे ये बच्चे आगे राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो ये है एसबी सिंह एकेडमी की पूरी टीम जो कि हमारे पीछे पूरे सारी टीम मेंबर्स खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉक्सिंग प्लेयर, क्रिकेट, फुटबॉलर, एथलीट, ये सारे खिलाड़ी जो है वो यहाँ एक साथ एक ही जगह पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। वहीं पर एक छोटे नन्हे खिलाड़ी भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? छोटन कुमार। क्या करते हो, कौन सा खेल खेलते हो? फुटबॉल। फुटबॉल, अच्छा कैसा लगता है फुटबॉल खेलते हो आप? आगे क्या करना है आपको? हम आगे जाके नहीं सोचा? हम सोचे हैं हम आगे जाके बड़ा खिलाड़ी बनना है। बड़ा खिलाड़ी बनना है, वेरी गुड। तो ये है, ये विलेज है मुनारी जहाँ पर एसबी सिंह एकेडमी के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जो पूरा सहयोग कर रहे हैं वो परितोष सर हैं और उन्हीं की ये एकेडमी है। उन्होंने एक पहल की है कि गांव के बच्चे भी आगे जा करके निखरें और अपना नाम कमाएं और साथ साथ पूरे देश का नाम ऊंचा करें। तो वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंग इनाद, धन्यवाद।